मलिक साहब, मुझे जन्नत में जगह नहीं चाहिए। मैं बस इस लड़की को इस जहन्नुम से बचाने आया हूँ। मैंने तो मौत को खुद चुना है, अपने लिए और आपके लिए। इमरान हाशमी इज बेस्ट नोन फॉर हिज मेकआउट सीन्स, बट आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इमरान हाशमी के कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जहाँ मेकआउट हुआ तो नहीं पर फिर भी हमारे दिल को छू गई उसकी एक्टिंग। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है इमरान हाशमी, तो मैं तो गलत नहीं सुनने वाली इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखते तो सब हो पर भाई सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटा भी दबाई देना यार। और ऐसे उल्टपटांग अनशंट टाइप के सजेशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। मेरा और रोस्टेड का दोनों का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो ये बंदा उसकी ऑफिस के कैब के बाजू में गाड़ी चलाकर इतना रोमांटिक गाना गा रहा है भाई, इतने में ना ऑफिस में कंप्लेंट हो जाती है। फिर अगले दिन एचआर के ऑफिस में बैठे रहो। We will get back to you। ऊपर से बंदी की ओवर एक्साइटेड दोस्त, भाई तू क्यों इतना मुंह फाड़ रही है ब्रो? प्रपोजल उसका, गाना उसके लिए गाया जा रहा है, तू क्यों दांत निकाल रही है इतने? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। फिर बंदी देख भी रही है और इग्नोर भी कर रही है। गर्ल्स वी ऑल हैव बीन देयर एंड डन दैट। डूड, ये ऑफिस की कैब से निकल के उसकी गाड़ी में बैठ गई, अब तो एचआर इसकी गर्ल फाड़ देगी कल भाई। इसे प्रपोज करेगी ये केवड़ी सी शक्ल की को, चल सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एक इस प्रपोजल ने ना हम सबकी लाइफ के एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर दिया है ना, कसम से। क्या कर सकती है तो मेरे लिए? कुछ भी। तो फिर अपना टॉप निकालो। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ओके फाइन। जस्ट जोकिंग यार। एंड दैट्स हाउ अ लेजेंड डू द लॉयल्टी टेस्ट। समझ गए ना? बस अब अगली बार से ऐसे ही करना। ओके जस्ट किडिंग डूड, कहीं सच में कर दो। एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, मेरे दिल का सुकून थी वो। उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद करो। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूँ। यार मैं जितनी बार भी ये मूवी देखूँ ना, ये डायलॉग सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्हाट ए फ्लॉलेस सीन यार, जस्ट ब्यूटीफुल। और यार ये मेरी ना फेवरेट मूवी है इमरान हाशमी की, इसको मैं रोने के लिए देखती हूँ पता है। इसका मजाक तो मैं उड़ा ही नहीं सकती। अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे। आप नहीं। मूवी के गाने, स्टोरी, डायलॉग्स और सीन्स सब परफेक्ट, जस्ट फ्लॉलेस। मोहब्बत या जरूरत? आदत। प्रिया एक इंसान की आदत भी हो जाना एक सच है। अगर वो इंसान एक अच्छी आदत हो तो देखो एटलीस्ट बंदे ने सच तो बोला, कम से कम फेक होप्स नहीं दिए। इस मूवी के गाने तो भाई एक नंबर है। इस सीन की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, दोनों बंदा और बंदी हैं ही इतने हॉट यार। जब उस फोटोग्राफर ने मुझे छुआ तो तुमने मुंह क्यों फेर लिया? जलन? शायद, क्या फिर आखिर तो आदमी हूं। कुछ कमी ही नहीं है भाई इस सीन में। चलो ना, वो बुलाता है ना, मैं जाता हूँ। व्हाट ए सीन मैन, व्हाट ए सीन। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धोए की तरह ऊपर। मुझे नहीं लगता इमरान हाशमी से बेटर कोई ये रोल कर सकता है। जो खुद नहीं पिघलते उन्हीं को पिघलाने के लिए कानून बना है। कानून तो मुझे अपने बाप जैसा ही लगता है, कमजोर, लाचार, गरीब। चुप कर बदतमीज। क्लास एक्टिंग है यार इस बंदे की। बॉलीवुड में एक यही बंदा है जो अलग ही कल्ट है भाई, डूड है भाई। मेरी नजर से देख जावेद, ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो महबूबा हाथ से निकल जाएगी, इससे मसल दूंगा। क्या बंदा है यार, वाह। पहचानी तो बनानी है ना सब, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी।